हेलो बच्चों, मैं प्रहलासा हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। इस टॉपिक के बिना गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग आप नहीं बना पाओगे, तो इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें स्थितियां कैसे कैसे उत्पन्न होती है, SI मात्रक, विमीय सूत्र और इसकी प्रकृति। आज की वीडियो में आपको भरपूर नॉलेज मिलने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पढ़ने में आज बहुत मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स होती क्या चीज़ है। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ। क्षेत्र सदिश। क्या? क्षेत्र सदिश। क्षेत्र सदिश मतलब एरिया वेक्टर, ये क्या होती है? ठीक, तो इसको एकदम नॉर्मल समझेंगे आप। किसी भी पृष्ठ को जो दिशा होती है, किसी भी पृष्ठ की जो क्षेत्र सदिश होती है, जैसे ये मान लीजिए क्या है आपका, एक पृष्ठ है। क्या है? आपका पृष्ठ है। ये देखिए, ये आपका पृष्ठ है, तो इसकी क्षेत्र सदिश कैसे होगा? कुछ इस तरह से। ठीक, आपके सामने की ओर। क्या हो गया? आपके सामने की ओर। ये आपका बोर्ड है। क्या है? बोर्ड है। तो इस बोर्ड की दिशा कैसे होगी? उस पृष्ठ से लंबवत, आपके सामने की ओर। किसी भी पृष्ठ का जो दिशा होता है ना, किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश होता है, वो उस पृष्ठ से लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत। ये मान लीजिए आपका पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्र सदिश कैसे होगा? इस पृष्ठ से लंबवत आपकी ओर। ठीक, जैसे मैं हूँ तो मेरी दिशा कैसे होगा? आपकी ओर, सामने की ओर। ये है, इसकी दिशा कैसे होगी? ऊपर की ओर। कैसे होगी? ऊपर की ओर। ये आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और इसकी हम दिशा देखें तो ये ऐसे होगा। ठीक, इसको हम कहते हैं क्षेत्र सदिश। क्या कहते हैं? क्षेत्र सदिश। छोटी सी टॉपिक है क्षेत्र सदिश। इस टॉपिक के बिना हम वैद्युत फ्लक्स को नहीं समझ सकते। तो आपको अब से समझ आ गया होगा क्षेत्र सदिश क्या होती है। क्षेत्र सदिश किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती है, किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती है, और ये आपको गॉस प्रमेय के चारों अनुप्रयोग में काम आने वाला है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो क्षेत्र सदिश आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या देखते हैं? वैद्युत फ्लक्स। देखिए, सामान्य समझते हैं हम वैद्युत फ्लक्स क्या होती है। जैसे ये आपका क्या है? एक प्लेट है। क्या है? प्लेट है। ठीक, इस प्लेट से ये विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से आएंगे, इस तरह से। ये चारों के चारों उंगली क्या है मेरा? विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे, तो इस तरह से जाएगा, तो इसको बीच से चीरते हुए जाएगा। इस प्लेट को क्या करेगा? बीच से ऐसे चीरते हुए जाएगा। जब बीच से जाएगा तो यहाँ पे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर से गुजर रहा है, इसको मापने के लिए हम जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। या नॉर्मल परिभाषा देखिए, किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। फर्स्ट चित्र में हम ये जो प्लेट है ना आपका, ये जो प्लेट है यहाँ पे बना के रखा हूँ, ये प्लेट ना इस तरह से नहीं है, ये कुछ इस तरह से है, ऐसे। ध्यान रखेंगे इस बात का। ये जो प्लेट है आपका कुछ इस तरह से है, और ये जो DS दिखा है ना, DS, इसी को कहते हैं हम क्षेत्र सदिश, वेक्टर DS। तो ये देखिए, DS आपको ऐसे मिलेगा, ये आपका प्लेट है और DS ये वाला लाइन है आपका, ये वाला, समझेंगे ना। अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाएगा, क्या होगा? इस तरह से ऐसे जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जाएगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखा, ये। तो यदि कोई पृष्ठ लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के, पृष्ठ लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र रेखा उनसे होकर गुजरता है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का अस्तित्व रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैद्युत फ्लक्स यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा चित्र में देखिए, सेकंड में, इस ये भी आपका जो तल है ना, वो कुछ इस तरह से ही रखा हुआ है, ये भी सेम ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक, अब इनमें विद्युत क्षेत्र रेखा सीधा ना जाके कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे तिरछा, ध्यान दीजिए, ऐसे इस तरह से। भाई जरूरी थोड़ी है कि वो आपका बिल्कुल सीधा ऐसे ही जाए, तो ये कुछ ऐसे चले जाते हैं, मतलब हम देखें तो कुछ ऐसे जाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक, तो इस तरह से जब जाएंगे, जब ऐसे जाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखा,
तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र लाइन है, ये इनके साथ अर्थात क्षेत्र सदिश डीएस के साथ या पृष्ठ के लंबवत, जैसे ये देखिए पृष्ठ है, ये क्या है आपका पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत ये होगा, होगा कि नहीं होगा। ये पेन आपका ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये आपका पृष्ठ है, तो पृष्ठ का क्षेत्र कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा। अब विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, वो तिरछा जा रही है इस तरह से, तो क्या करेगा ये इनके साथ एक कोण बनाएगा, क्या बनाएगा इनके साथ एक कोण बनाएगा। और ये जो आपका वेक्टर ई है, ये जो आपका वेक्टर ई है, यहाँ पे इनके घटक प्राप्त होंगे जिसे हम लिखेंगे ई कॉस थीटा, क्या लिखेंगे ई कॉस थीटा, ठीक। ये वेक्टर ई है ना, यहाँ पे ये वेक्टर ई है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये दोनों चित्र आपको समझ आए। थर्ड चित्र क्या है देखिए, तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर में भी प्लेट आपका ऐसा ही रखा है, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, ये वाला भी ऐसा ही है, लेकिन इस बार देखिए फर्स्ट में तो डायरेक्ट सीधा गया, सेकंड चित्र में कुछ ऐसे गया, इस तरह से कुछ ऐसे गया, थर्ड चित्र में ये बिल्कुल ऐसे चला जाता है, देखिए ऐसे, ठीक। आपको मैं सीधा दिखाऊं तो ऐसे जाता है, इनको स्पर्श करते हुए, क्या जाता है स्पर्श करते हुए, मतलब ये पृष्ठ है और विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाता है सीधा ऊपर की ओर, क्या जाता है ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाएगा इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखा एक भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान जो है वो शून्य होगा, क्या होगा वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो विद्युत क्षेत्र रेखा है कुछ इस प्रकार जाते हैं, ये इस प्रकार से, ये इस तरह से, ये इस तरह से जाते हैं, ठीक। ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे कोण कैसे कैसे बनेगा, कोण को आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, ठीक। ये पृष्ठ कुछ ऐसे है, ये पृष्ठ कुछ ऐसे है, ये इस तरह से गया, ये आपका देखिए ये पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, यहाँ से ये क्या है उस पृष्ठ की क्षेत्र सदिश है, ये क्या है उस पृष्ठ की क्षेत्र सदिश है। अब देखिए ये हुआ पृष्ठ, ये हुआ पृष्ठ, ये क्या है आपका ये पृष्ठ है, और ये क्या है उसका क्षेत्र सदिश है। अब एक विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से गया, ये विद्युत क्षेत्र रेखा, देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा भी कुछ इस तरह से जा रहा है, तो ये जो क्षेत्र सदिश है विद्युत क्षेत्र रेखा के समानांतर है, दोनों की दिशा क्या है समानांतर है, तो जब समानांतर है तो कितने अंश का कोण बनेगा भाई, ये है आपका विद्युत क्षेत्र रेखा, नीचे का पेन है आपका क्षेत्र सदिश, तो दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है समानांतर है, अर्थात जीरो अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा जीरो अंश का। तो पहला वाले चित्र में थीटा बराबर बनेगा जीरो डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का बनेगा जीरो अंश का। सेकंड में तो थीटा कोण बनाते हैं तो थीटा बराबर थीटा। थर्ड नंबर के चित्र को देखिए, तीसरे नंबर को, ठीक। ये है आपका क्या पृष्ठ या प्लेट, और ये क्या है आपका ये जो पेन लिया हूँ मैं, ये जो दिशा है ये क्या चीज़ को दिखाता है, ये क्षेत्र सदिश को दिखाता है, क्या चीज़ को दिखाता है क्षेत्र सदिश को। अब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ इस तरह से जा रहा है ऐसे, ध्यान दिख दे रहा है आपको, ये दोनों पेन दिख रहा होगा, तो दोनों पेन एक दूसरे के परस्पर लंबवत दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, देखिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जाते हैं बिल्कुल ऐसे, तो ये विद्युत क्षेत्र डीएस के साथ, वेक्टर डीएस के साथ, क्षेत्र सदिश डीएस के साथ क्या करेगा 90 अंश का कोण बनाएगा, क्या करेगा 90 अंश का कोण बनाएगा। तो तीसरा नंबर में थीटा बराबर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, 90 अंश का कोण बनेगा तीसरा नंबर में, ठीक। चित्र आप समझ गए, तो इसमें और बाकी कुछ नहीं है, छोटी सी परिभाषा है, छोटा सा इसका व्यंजक है। चलिए देखते हैं आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम गणितीय रूप से, इसमें विद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है, ये तो घटक है ये cos थीटा, और यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। चलिए गणितीय रूप में देखेंगे हम इनको, तो क्षेत्र सदिश को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप क्या लिखोगे परिभाषा लिखोगे, आपको इसका PDF मैं दे दूंगा, उसकी चिंता ना करें, आप सेम वैसे ही पेपर में लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखेंगे, और जब परिभाषा लिखेंगे तो मानते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई है, तथा इसका पृष्ठ, अच्छा ये अंदर का पृष्ठ आपका डेल एस है, क्या है डेल एस है, ये जो डेल एस है ना ये दिखाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दिखाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वेक्टर डेल एस दिखाता है क्षेत्र सदिश को दिखाता है, किसको दिखाता है क्षेत्र सदिश को। तो डेल एस आपका कोई पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ है, जिस पर विद्युत क्षेत्र क्या है ई है, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा आपका अल्पांश पृष्ठ है तो डेल फाई ई, अच्छा वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से दर्शाते हैं, इसे फाई कहते हैं और इसके आधार में ई रहता है, तो डेल फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई
और ये डेल एस क्या हो जाएगा, ई डेल एस, ई मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा और डेल एस मतलब ये अल्प पृष्ठ, ये अल्पांश पृष्ठ। ठीक, इसके बाद देखिए अब सेकंड चित्र को। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ई, ये इस अभिलंब के साथ थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता है, थीटा कोण। तो इसका घटक क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा, क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ई को लिखेंगे ई कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, ई कॉस थीटा। तो ये होगा ई कॉस थीटा और ये होगा डेल एस। अब इनको हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो डेल फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप थीटा को अलग करिए, ई और डी एस को साथ में लिखिए, ई और ये डेल एस कॉस थीटा को थोड़ा दूर लिखिएगा, ये कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम कॉस थीटा को हटाते हैं, जब हम कॉस थीटा को हटाते हैं तो वहाँ पे लगता है डॉट, क्या लगता है, डॉट, ये। और डॉट को हम कहते हैं अदिश, क्या कहते हैं, अदिश। और जब साइन थीटा को हटाया जाता है तो वहाँ पे लगता है क्रॉस, और क्रॉस को हम कहते हैं सदिश, क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा हटेगा तो ई और डी एस के बीच में, ई और डेल एस के बीच में एक डॉट लगेगा, तो डेल फाई ई का मान आपको मिलेगा। ठीक, अब यहाँ लगेगा आपका वेक्टर, मान के चलिए ये विद्युत फ्लक्स का सदिश रूप है, क्या है, सदिश रूप। डेल एस हट जाएगा, अच्छा कॉस हटेगा, कॉस हटेगा तो क्या लगेगा इन दोनों के बीच में, डॉट, और डॉट को हम कहते हैं अदिश, क्या कहते हैं, अदिश। इसलिए आपका जो विद्युत फ्लक्स है वो अदिश राशि है। इनकी प्रकृति आप यहीं पर लिख लीजिएगा, इनको समीकरण दे दीजिए, स्थिति निकालने में हमें काम आएगा ये। यदि मैं प्रकृति बताऊं इसकी तो वैद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि। ठीक, ध्यान देंगे ना इस बात की, ये अदिश राशि है। तो यहाँ तक आपका व्यंजक निकलेगा। प्रकृति के बाद हम यहीं पे देख लेते हैं इसका एस आई मात्र है वैद्युत फ्लक्स का। तो देखिए ई को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का मात्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम होता है विद्युत क्षेत्र का, ई का। डेल एस क्या है, क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का हो जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। इनको ऊपर ले जाके लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखाएगा, ये कैसे लिखाएगा, ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इस चिन्ह को प्रति कहते हैं, या आप हिंदी में प्रति लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर का स्क्वायर, अच्छा कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, इस चिन्ह को प्रति कहते हैं, कूलाम। ठीक, इस तरह से हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका एस आई मात्रक। अब इसके विमेय सूत्र की बात करें हम लोग, किसकी बात करें, विमेय सूत्र, ध्यान से देखिए विमेय सूत्र। यहाँ देखिए हम इसके विमेय सूत्र की बात करें तो ई को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है भाई, चलिए हिंदी में लिख देता हूँ मैं, विद्युत क्षेत्र गुणा डेल एस को क्या कहते हैं हम, क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है बल बटे, बल बटे, बल बटे आवेश, क्या होता है, बल बटे आवेश। क्षेत्रफल का तो क्षेत्रफल ही रहेगा, क्षेत्रफल आपका क्षेत्रफल ही रहेगा। बल का विमेय सूत्र क्या होता है, बल का होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, क्षेत्रफल मतलब दो लंबाई, तो ये एल का स्क्वायर डिवाइड बाई। आवेश, आवेश का क्या होता है ए इंटू टी, क्या होगा, ए इंटू टी। अब इनको हम अच्छे से जमा के लिखें तो इसका फाइनल मिल जाएगा आपको, m तो m रहेगा, ठीक, l यहाँ पे l की घात में एक है, l की घात में दो है, तो ये हो जाएगा l के घात में तीन, क्या हो जाएगा, l के घात में तीन। t माइनस टू है, एक t और ऊपर जाएगा तो ये माइनस वन बनेगा, तो माइनस वन माइनस टू से जुड़ेगा तो ये हो जाएगा t के पावर में माइनस थ्री, माइनस टू है एक कर जाके जुड़ेगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। एम एल टी ए बचा, ए ऊपर जाके बनेगा ए माइनस वन, तो ये आया इसका विमेय सूत्र एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक, विमेय सूत्र हो गया है एस आई मात्रक प्रकृति। अब हम इसकी विशेष स्थितियां देखते हैं, क्या देखेंगे, विशेष स्थितियां।
इसको विशेष स्थितियां। ठीक, पहला जब थीटा बराबर जीरो अंश हो, थीटा बराबर जीरो अंश हो। जीरो अंश का मतलब क्या है? जीरो अंश का मतलब है क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र। देखिए ये क्षेत्र सदिश है और ये विद्युत क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो कितने अंश का कोण बनेगा? जीरो अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा? जीरो अंश का। तो ये जीरो अंश का कोण हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण एक में। ठीक, थीटा की जगह क्या रखेंगे हम? जीरो। क्या रखेंगे? जीरो। तो हमें डेल फाई ई का मान मिल जाएगा, डेल फाई ई, और ये ई डेल एस कॉस जीरो। क्या मिलेगा? कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान एक होता है, तो डेल फाई ई बराबर ई डेल एस। क्या मिला हमें? ई डेल एस। कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक। तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स जो है वो अधिकतम है। क्या है? अधिकतम है। ठीक, देखिए इसको हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। कैसे कैसे? ये जो आपका विद्युत क्षेत्र ई है, ये जो आपका विद्युत क्षेत्र ई है, ये पृष्ठ पृष्ठ की दिशा के साथ, जैसे देखिए ये मैं एक पेन ले रहा हूँ, ये हाथ मेरा पृष्ठ है, और ये क्या है? रेड पेन जो है वो दिशा है, और ये ब्लैक क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक, क्षेत्र सदिश के साथ। ये रेड आपका क्षेत्र सदिश है। अब इसको हटा दीजिए आप, क्षेत्र, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, और सिर्फ मैं पृष्ठ की बात करूँ, पृष्ठ अर्थात डेल एस का, तो हमारा प्लेट इस तरह से रखा हुआ है, तो पृष्ठ क्या होगा? ये वाला हिस्सा होगा, होगा ना? तो पृष्ठ ये है और विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। क्या होंगे? लंबवत। पृष्ठ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। समांतर किसके साथ होगा? क्षेत्र सदिश के साथ होगा, दिशा के साथ होगा, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ लंबवत होगा। जब पृष्ठ के साथ लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, तब वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक, कोण की बात करें तो क्षेत्र सदिश के साथ विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं, तब जीरो अंश का कोण बनता है। सेकंड कंडीशन देखिए, इनको जरूरत नहीं है, थर्ड वाला निकालिए, इनको सेकंड देंगे हम, थर्ड वाले को ही। थीटा बराबर 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, ये मान यहाँ पे रखिए थीटा की जगह, तो डेल फाई ई का मान मिल जाएगा आपको, डेल फाई ई का मान ई डेल एस और ये कॉस 90। क्या मिलेगा? कॉस 90। ठीक, और कॉस 90 का मान क्या होता है भाई? कॉस 90 का मान होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 का मान शून्य हो जाएगा। जैसे ही कॉस 90 का मान शून्य होगा, तो ये भी पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे जीरो, अर्थात डेल फाई ई का मान आपको मिलेगा शून्य। क्या मिलेगा? शून्य। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। कब? जब विद्युत क्षेत्र रेखा और क्षेत्र सदिश डेल एस एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहाँ पे कोण बनेगा 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तब ये क्या होती है? शून्य होती है। अब मैं पृष्ठ की बात करूँ, किसकी बात करूँ? पृष्ठ की। तो देखिए ये पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रहा है, तो जैसा ये ऐसा ही पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, और विद्युत क्षेत्र रेखा भी कुछ ऐसे जा रहा है पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के समांतर। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के समांतर जाता है, पृष्ठ के समांतर, तब वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। और हम डेल एस की बात करें, तो डेल एस के साथ लंबवत होगा, क्योंकि ये पृष्ठ है, ये आपका पृष्ठ है, और ये उस पृष्ठ के क्षेत्र सदिश है। क्या है? क्षेत्र सदिश। आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको बहुत कोशिश किया मैं समझाने का, शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इस तरह से हमारा जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट भी होता है। आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, या आप मैसेज या कॉल करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गॉस प्रमेय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।